जय हिंद दोस्तों। क्वारंटी की जो विसंगतियां हुई हैं, 5 तरीके हैं जो विसंगतियों को दूर किया जा सकता है। बस सरकार की इच्छा शक्ति की कमी दिख रही है, ये जानकारी दी है वॉइस ऑफ एक्सेप्शनल सोसाइटी ने। बता दें 5 जो विसंगतियां हैं इनको कैसे दूर किया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जानकारी देता हूं क्या इन्होंने कहा है कैसे दूर की जा सकती है। सभी पूर्व सैनिक भाइयों को वाजिब दर्द ओआरओपी की विसंगति को लेकर झलक रहा है। ये भी सही है कि पूर्व सैनिक के एक वर्ग जेसीओ ओआर तथा ऑनरी कमीशन ऑफिसर यानी कि एचसीओ के साथ ओआरओपी के नाम पर बड़ा भेदभाव किया गया है। चाहे वह पेंशन को लेकर हो या डिसेबिलिटी की बात हो या फिर 7वें वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स लेवल निर्धारण के समय सिपाही को पे लेवल 4 दिया जाता है जबकि एसएम को पे लेवल 9 स्वतः ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए था। यह दीगर बात है कि नायब सूबेदार सही मायने में ग्रेड 2 ऑफिसर होते हैं, यानी कि नायब सूबेदार ग्रेड 2 ऑफिसर होते हैं तो उनको पे लेवल 8 पर होना चाहिए था जबकि एसएम को पे लेवल 8 दिया जाता है। तो कितनी विसंगति है आप खुद समझ सकते हैं। ये 7th पे कमीशन की विसंगति है। ओआरओपी की वजह से ही ऑनरी रैंक और ऑनरी हवलदार की जो ऑनरी नायक हैं और ऑनरी हवलदार हैं कि पेंशन में रेगुलर सिर्फ 1 रुपए का अंतर आया है। आप समझ सकते हैं जो ऑनरी नायक हैं और ऑनरी हवलदार हैं उनके 1 रुपए में अंतर आया, तो आप इसमें कितनी बड़ी विसंगति है। आज ऑनरी नायक को सिपाही के बराबर दिया गया है, यानी कि जो ORP 2 लागू हुआ है उसमें ऑनरी नायक को सिपाही के बराबर दिया गया है। वहीं हवलदार की पेंशन ऑनरी है कि पेंशन से 529 रुपए का फर्क डाला गया, यानी कि सिर्फ हवलदार और ऑनरी रैंक को 529 रुपए का ही अंतर आया है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी विसंगति है। इसमें जो शहीद होते हैं, सिपाही हो या कोई भी हो, शहीद होने के समय पेंशन यानी कि LFP की विसंगत की बात की है। यही फरमाया गया है कि 1972 की LFP की पॉलिसी जो थी, शहीद होने पर 2 साल नौकरी करता हो या 8 साल नौकरी करता हो, चाहे सिपाही हो या किसी भी रैंक का हो, उनकी पेंशन निर्धारण पूरी सर्विस करते हुए होती है। यानी कि 1972 की जो LFP की पॉलिसी थी उसमें जो भी शहीद होता था, चाहे 2 साल ही सर्विस की हो और तब शहीद हो गया हो, चाहे पूरी सर्विस करने पर शहीद हुआ हो, उसकी पेंशन जो बनती थी पूरी पेंशन बनती थी, यानी कि जितनी सर्विस होती है, यानी कि 15 से 17 साल सर्विस करने वाले को जो भी LPF की पॉलिसी के तहत जो भी सैनिक शहीद होते थे उनको पूरी पेंशन दी जाती थी। लेकिन उनकी पेंशन निर्धारित सर्विस पूरी मानते हुए 17 से 15 साल की पेंशन दी जाती थी। ORP के बाद ऐसा नहीं है। ORP के बाद ये बिल्कुल ही चेंज कर दिया गया। दरअसल ORP 1 और ORP 2 को जो क्रमशः सर्कुलर नंबर 555 और 666 टेबल बनाकर जारी की गई है, वह ORP की मूल भावना और मकसद को भटका रही है। यानी कि जो ORP की मूल भावना है वो बिल्कुल, जो सर्कुलर दोनों जारी हुए हैं ORP 1 का और ORP 2 का, ये मूल भावना और मकसद को ORP की मकसद को भटका रही है। उक्त टेबल PCDA के ट्रेंड स्टाफ ने तो कतई नहीं बनाई होगी। जो टेबल बनी है ORP की वो ट्रेंड स्टाफ ने तो बिल्कुल नहीं बनाई होगी। यह बात CGDA ने भी कंफर्म कर दी है कि ये टेबल एक ट्रेंड स्टाफ ने नहीं बनाई है। मुख्य वजह ORP की फॉल्टी निर्धारण इस मैक्सिमम और मिनिमम औसत को लेकर करने की वजह से हुआ है। यानी कि जो हमारी ORP का निर्धारण में गड़बड़ हुई है वो मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज किया गया है, जो कि गलत है। यही फार्मूला गलत लगाया गया है। क्योंकि हमारी पेंशन को अपर स्केल ORP तय करनी थी, इसलिए JCO और OR को पूरी सर्विस पॉलिसी के तहत 60 साल की उम्र तक मानना चाहिए था। यानी कि अगर आप ORP में उनको 60 साल तक की उम्र के हिसाब से पेंशन देनी चाहिए, अगर नहीं देते हैं तो रैंक सर्विस वेटेज का भी लाभ देना चाहिए। इसलिए जरूरी था कि ORP पर लास्ट ड्रॉन का या तो 75%, यानी कि जो लास्ट में पेंशन मिली थी उसका 70 से 75% पेंशन मिलना चाहिए था, जो कि नॉमिनल पे क्रॉप टॉप ऑफ द टेबल यानी कि मैक्सिमम की आधी पेंशन हो। यानी कि या तो मैक्सिमम की आधी कर दें या 75% जो
पेमेंट लेते थे उसकी 75% पेंशन दी जाए या फिर 60 साल तक की नौकरी की गणना की जाए। यहाँ ओआरओपी में इन दोनों फैक्टर को संज्ञान में नहीं लिया गया। अब आप समझ सकते हैं दोनों फैक्टर ही नहीं लिए गए। अगर इसका ध्यान रखा जाता तो डिसेबिलिटी और एलएफपी का भी समाधान हो जाता है, यानी कि दोनों का जो डिसेबिलिटी है उसका भी समाधान हो जाता है और जो शहीद होते थे उनका भी समाधान हो जाता। डिसेबिलिटी और वार इंजीनियर जो वार इंजरी होती है पेंशन में भी भेदभाव सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट बदलने से हुआ है। आप समझ सकते हैं कि सातवें वेतन आयोग की ही रिपोर्ट बदल दी गई। एमएसपी भी यकीनन बड़ा फैक्टर है। बॉर्डर पर विषम परिस्थितियों में नौकरी की वजह से दी जाने वाली एमएसपी अब जवानों की वाजिब मांग के अनुसार बराबर होनी चाहिए। आप समझ सकते हैं विषम परिस्थिति में दोनों रहते हैं, ऑफिसर हो चाहे जेसीओ वार हो, तो उनको बराबर मिलनी चाहिए। इसमें भी आप कितनी बड़ी विसंगति है। इससे पेंशन में जो भारी भेदभाव और गैप है ऑफिसर की निचली रैंकों के मध्य, उसमें कुछ सुधार हो सकता है अगर एमएसपी को सही से दे दिया जाए। कुछ इसलिए कि पूर्ण सुधार तब होगा जब पे मैट्रिक्स लेवल सिपाही से ऑनरी कमीशन ऑफिसर तक का बढ़ेगा। इस दौरान ऑनरी नायब सूबेदार को जो 2006 के पहले हैं उनके साथ भेदभाव है। अब एक नया विवाद एक्स ग्रुप की पेंशन टेबल नंबर 7 और 8 को लेकर अलग अलग वजह से हो गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि पेंशन टेबल जो 7 8 दी गई है एक्स ग्रुप के लिए, वो प्री 2016 को अलग कर दिया गया है, पोस्ट 2016 को अलग कर दिया गया है। जरूरी है कि इन सभी बातों पर एमओडी भारत सरकार वक्त रहते संज्ञान ले ताकि पूर्व सैनिक की उनकी वाजिब हक मिल सके। धन्यवाद। ये जानकारी दी है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने और कहा है कि इतनी विसंगति बिल्कुल खुला खुला विसंगति हुई है और इसको सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये थी जानकारी इस वीडियो में। इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें जिससे कि हम आपकी मांगों को उठा सके। थैंक यू। जय हिंद।